दोस्तों, इंडिया के दोनों मेजर एक्सचेंजेस में 6,000 से ऊपर कंपनीज लिस्टेड हैं और हम आपके लिए उन्हीं कंपनीज में से, उन्हीं 6,000 कंपनीज में से कुछ चुनिंदा कंपनी ऐसी लेके आते हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करने के बाद में आपके पैसों की ग्रोथ हो। तो वैसी ही एक कंपनी आज मैं लेके आया हूँ। जी हाँ, मैं आज ऐसी कंपनी आपके लिए लेके आया हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। ये बेसिकली मेटल सेक्टर की कंपनी है और इसने जो क्वार्टरली रिजल्ट दिए हैं, कल शाम को इसके रिजल्ट आए थे और इसने जो रिजल्ट दिए हुए हैं इस क्वार्टर में वो अनबिलीवेबल है। और इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। हमने मेटल्स की काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुने हुए हैं, JSW स्टील हो गया, जैसे कि हिंडाल्को हो गया, अपना वेदांता हो गया, काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के हमने नाम सुने हुए हैं, लेकिन इस कंपनी का नाम हम में से शायद ही किसी ने सुना होगा या फिर बहुत कम लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुना होगा। और इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। और ये जो कंपनी है ये एक स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, काफी छोटी कंपनी है और इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल काफी ज्यादा है और अंडर वैल्यूड ये कंपनी है। रिजल्ट इसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हुए हैं इस क्वार्टर में। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, इस कंपनी के प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये स्पॉन्ज आयरन बनाती है जिसका यूज आगे चल के आयरन बनाने के लिए होता है। ये स्टील और आयरन के बिलेट्स वगैरह बनाती है जिसका काम बर्तन वगैरह बनाने में या फिर अदर प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। ये फेरो एलॉय बनाती है जिसका काम स्टील मेकिंग के लिए किया जाता है। ये वायर रॉड बनाती है जिसका काम वायरिंग वगैरह के लिए किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह हो गए, अलग अलग तरीके के जो वायर रहते हैं इसके लिए। ये रॉ आयरन के पैलेट्स वगैरह सप्लाई करती है, जो रॉ आयरन रहता है उसके पैलेट, उसका काम अलग अलग चीजों में किया जाता है, अलग अलग चीजें बनाने के लिए किया जाता है, तो ये पैलेट्स वगैरह भी ये सप्लाई करती है। ये जितना भी प्रोडक्ट बनाती है, जितना भी प्रोडक्ट ये सप्लाई करती है, इसकी अपनी खुद की माइनिंग है, माइनिंग प्लांट वगैरह इसके अपने बने हुए हैं, माइनिंग का ही इसका मेन काम है। और जो इसके पास में वेस्टेज वगैरह बचता है उसका ये इको फ्रेंडली ब्रिक वगैरह भी बनाती है। साथ ही साथ दोस्तों थर्मल पावर प्लांट का काम है, सोलर पावर का काम है, तो काफी ज्यादा मतलब इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिनट्यूबर। फिनट्यूबर एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अब हम इसके रिटर्न्स की बात करेंगे। एक साल में सेंसेक्स ने जो रिटर्न दिए 63%, इस सेक्टर ने जो रिटर्न दिए हैं दोस्तों, इस पर्टिकुलर सेक्टर ने जो रिजल्ट दिए हैं, जो रिटर्न दिए हैं वो अनबिलीवेबल है। 300% के रिटर्न दिए हैं इस सेक्टर ने, बॉस 300%। और इस पर्टिकुलर कंपनी ने इस सेक्टर को अंडर परफॉर्म किया हुआ है, इवन दो इस कंपनी ने 296% के रिटर्न दिए हुए हैं। देख लीजिए बॉस कितना ग्रोथ अभी इस कंपनी ने एक साल के अंदर में किया हुआ है अलोंग विद दिस सेक्टर। एक दिन के रिटर्न की बात करें तो 4%, एक वीक के रिटर्न की बात करें तो 0.6%, एक मंथ के रिटर्न की बात करें तो 22%, 3 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 47%, 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 73%, ईयर टिल डेट की बात करें तो 59%, 1 ईयर की बात करें तो 296%, 2 ईयर्स की बात करें तो 104%, 3 ईयर्स की बात करें तो 32%, 4 ईयर की बात करें तो 101%, 5 ईयर्स की बात करें तो 438%, 10 ईयर्स की बात करें तो 143%। यानी कि ये काफी हलचल वाली कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे अप डाउन ज्यादा होता है इसमें, फ्लक्चुएशन ज्यादा रहता है और इसमें जो बीटा भी इसका काफी ज्यादा रहता है। तो क्या होता है कि जितना मार्केट ऊपर चढ़ता है उससे ज्यादा ये चढ़, उससे तेज गति से ये स्टॉक चलते हैं, और जितना मार्केट नीचे गिरता है फिर उसी तेज गति से ये नीचे भी गिरते हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। बट ये तो मेरा फेवरेट पिक है बॉस, इसको मैं काफी एक तरीके से बहुत आपको आपके लिए मैं सर्च करके लाया हूं, उसको बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद में मुझे ये कंपनी मिली हुई है। तो दोस्तों हम इसके जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट की बात करते हैं। मार्च के क्वार्टर में लास्ट ईयर इसने 438 करोड़ का सेल किया था और मार्च के
इस क्वार्टर में इसने 699 करोड़ का सेल किया हुआ है, ग्रोथ इसकी है 59% की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर इसने 76 करोड़ का प्रॉफिट किया था क्वार्टर में मार्च के, और इस साल के मार्च क्वार्टर में इसने 184 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया हुआ है, 139% का जंप है। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में इसने 20 करोड़ इंटरेस्ट पे किया था और इस मार्च क्वार्टर में इसने 21 करोड़ जो है इंटरेस्ट पे किया हुआ है, 3% का इसमें इंक्रीज है, इंटरेस्ट ने थोड़ा सा ज्यादा पे किया हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम में इसको जो है 5 करोड़ का लॉस हुआ है इस साल मार्च के क्वार्टर में, और लास्ट ईयर मार्च के क्वार्टर में ये जीरो था। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में इसको 32 करोड़ का घाटा था, जो कि अभी बढ़ के 139 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इसको, इस कंपनी को। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो काफी अच्छा खासा इसका मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, 17% से अभी 26.5% तक, यानी कि इसमें 8% का, 8.5% का जंप है। और इसके अगर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के अगर ग्रोथ की बात की जाए तो 532% का इसमें जंप है बॉस, 32 करोड़ के घाटे से 139 करोड़ के मुनाफे में ये कंपनी आई हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब दोस्तों इसके ईयर ऑन ईयर के जो ग्रोथ की बात करते हैं हम लोग, तो मार्च के जो फाइनेंशियल ईयर में इसका जो सेल था 2000 करोड़ का था, और इस साल वो बढ़ के 2198 करोड़ हो गया, 9.93% का इसमें जंप है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो लास्ट ईयर 356 करोड़ था, जो कि अभी बढ़ के 519 करोड़ हुआ है, जिसमें अभी 45.85 करोड़ का 85% का जंप है। और अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो इंटरेस्ट भी इसने कम किया हुआ है 4% तक, यानी कि लास्ट ईयर 82 करोड़ था, अभी इसने सिर्फ और सिर्फ 79 करोड़ पे किया हुआ है। और एक्सेप्शनल आइटम में इसको थोड़ा सा लॉस झेलना पड़ा है अभी इस साल में, लास्ट का ईयर था वहां पे इसको जीरो एक्सेप्शनल आइटम था, यानी कि कोई लॉस कोई प्रॉफिट इसको नहीं था वहां पे। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 126 करोड़ इसका लास्ट ईयर में प्रॉफिट था, और इस साल में इसका 374 करोड़ रुपीस प्रॉफिट है, यानी कि ये 196.73% का जंप है इसमें। और अगर मार्जिन्स की बात की जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये 18% से अभी 23% हुआ है, यानी कि 5.75% का इसमें जंप है। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग जो है इसमें मेजोरिटी है, 72.5%, प्लेज वगैरह जीरो है, कुछ भी नहीं है गिरवी। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 0.65%, FIIs की होल्डिंग 0.11%, प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग जो है इसमें छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, ये छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है इसकी सिस्टर कंसर्न है, उसका 38.5% इसमें स्टेक है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जो है एशिया मिनरल्स लिमिटेड है, ये भी इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी है एशिया मिनरल्स लिमिटेड, इसने इसमें 1.9% इन्वेस्ट किया हुआ है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग अगर देखी जाए तो इसमें जो है HNIs वगैरह आते हैं, जिसमें हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो एक तरीके से काफी ज्यादा एनालाइज करते हैं इंडस्ट्री को, उनका जो शेयर होल्डिंग है इसमें 16.96% है। अब दोस्तों हम इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो 1936 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, एंटरप्राइज वैल्यू इसकी 3466 करोड़ है, यानी कि थोड़ा सा डेट इसके कंपनी के ऊपर में ज्यादा है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात की जाए तो 3.60 करोड़ इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, पी इसका काफी कम है। प्राइस टू बुक देखो बॉस, प्राइस टू बुक से कम पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है अभी, 0.93 का सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू इसका है, 577 इसका बुक वैल्यू है, जबकि शेयर वैल्यू इसका 537.20 है। हालांकि इस सेक्टर के जो शेयर के प्राइस होते हैं एक तरीके से कमी इसको वैल्यूएशन वगैरह कमी मिल पाते हैं, लेकिन फिर भी फेस वैल्यू देखो 10 का फेस वैल्यू है इसका, डिविडेंड यील्ड इसका 1% का अराउंड है, और कैश इस कंपनी के पास में 160 करोड़ है, 164 करोड़, डेट इस कंपनी के पास में 1694 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग जैसा कि देख रहे थे हम 72% है, 72.5%। ईपीएस की बात करें तो 56.36 का ईपीएस है, काफी अच्छा इसका अर्निंग पर शेयर है। सेल्स ग्रोथ इसमें लास्ट ईयर का ये डेटा है तो इसमें माइनस में आ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 7.51%, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 7.80%, प्रॉफिट ग्रोथ 6.78%। फिनस्टार इसको 4 मिले हुए हैं ओवरऑल, ओनरशिप के लिए 3 स्टार, वैल्यूएशन के लिए 5 स्टार, एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमल, और फाइनेंशियल थोड़ा सा इसके वीक है, डेट ज्यादा है इस वजह से। इसके पीयर्स की बात कर लेते हैं,
उनके पी को हम देख लेते हैं कि उनका पी किस हिसाब से भी चल रहा है। गोदावरी पावर का पी 9 है, जिंदल का 17 है, जेएसडब्ल्यू इस्पात का 11 है, महाराष्ट्र सीमलेस अभी घाटे में है, ये दोनों कंपनियां महाराष्ट्र और मुकुंद, और शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स का 9 का पी है, और इस कंपनी का कल्याणी स्टील का 9 है, उषा मार्टिन का 10 है, प्रकाश इंडस्ट्रीज का 4 है, यानी कि इसी कैटेगरी में ये है। एवरेज से इसका लेकिन कम है, अभी अगर देखा जाए पी एवरेज से कम है, इसका मतलब जो है अभी बाइंग के लिए ये कंपनी काफी अच्छी है। पी जो है एवरेज पी से कम होना, पी जितना भी ज्यादा कम हो उतना अच्छा। पी के साथ में और भी पैरामीटर जैसे रिजल्ट काफी अच्छा आ गया, तो ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है उसको, है ना। अब दोस्तों हम इसकी ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखते हैं। 2016 में इसने 1479 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, 2017 में 1434 करोड़, 2018 में इसने 2173 करोड़ का किया, 2019 में इसने 2323 करोड़ का किया, और 2020 में इसने 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। यानी कि फाइनेंशियल जो है ऊपर नीचे ही है इसके भी, तो कोई स्टेबल मतलब इसका फाइनेंशियल नहीं है कि अभी इस, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है बॉस, क्योंकि अप डाउन आते रहते हैं मार्केट में। इसमें ये जैसे एफएमसीजी सेक्टर होता है, तो कंटिन्यूअसली उसके जो प्रोडक्ट है वो बिकते रहते हैं, और उसके साथ साथ में जो क्लाइंट बेस है उसका, कस्टमर बेस है, वो भी बढ़ता रहता है। ये जो कंपनी है इसका काम जो रहता है वो सीजनल रहता है, अभी किसी टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अगर ज्यादा बिल्ड हो रहा है तो उसमें इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा रहेगी, तो सेल ज्यादा दिखाएगा ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल्स में, और कभी कम रहेगा, मंदी रहेगी, और ये सारी चीजें रहेंगी। तो इन्वायरमेंट के ऊपर में काफी ज्यादा इसका डिपेंड करता है, और गवर्नमेंट के ऊपर में भी, किस तरीके की गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी इन चीजों का काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2016 में इसने 12 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो बढ़ के 131 करोड़ किया 2017 में, 2018 में 202 करोड़, 2019 में 203 करोड़, और 2020 में 126 करोड़। यानी कि इसका जो है प्रॉफिट थोड़ा सा 2019 तक बढ़ा था, 2020 में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में धंधा वगैरह कम हो गया होगा, तो उस वजह से उसका खर्चे ज्यादा बढ़ गए होंगे, तो प्रॉफिट जो है कम हो गया। कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट की अगर बात करें तो एफडी के रिटर्न इससे अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कि शेयर बिल्कुल भी नहीं है, देखने से ये पता लगता है। शॉर्ट टर्म में जितना प्रॉफिट मिल जाए अपना 20-30% लेके निकल लो, इस तरीके का एक शेयर है। डिविडेंड रिटर्न की बात करें तो डिविडेंड देती है कंपनी अच्छा, एंट्री पॉइंट अभी अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह इसमें मिल रहा है अभी, रेड फ्लैग मतलब कि एएसएम लिस्ट में है, क्योंकि काफी ज्यादा शेयर जो है एक साल में 200-250% तक अगर बढ़ जाता है तो ये एएसएम लिस्ट में आ जाता है, इसकी वजह से ये रेड फ्लैग जो है फाउंड हो रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, स्टॉप लॉस लगा के जो है हम इसको बाई कर सकते हैं, ज्यादा लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, इस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। और टेक्निकल्स की हम इसकी अगर बात करें तो अभी लाइफ टाइम हाई के ऑलमोस्ट बहुत करीब है ये, तो एक काफी तगड़े रेसिस्टेंस का रोल अदा कर रहा था अभी तक, ऊपर भी गया है लेकिन फिर नीचे आ गया, लेकिन अभी इसको एक बूस्टर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट अभी अच्छा आया हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार ये कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर ले, और अगर लाइफ टाइम हाई को ये कंपनी क्रॉस करती है तो उसके बाद में कम से कम कुछ भी नहीं तो 30-40% का जंप इसके ऊपर में आएगा ही आएगा। तो इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, वॉच करते रहिए इसको कि किस तरीके से इसका कल का देखो, कल की डेट में ये स्टॉक कहां जाता है, कल मंडे है मार्केट खुलेगा तो 10-1%, 5-1% तो ये शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उस टाइम पर आप देख लीजिए कि अगर ये पढ़ने के बाद में ऊपर टिकता है तो टिकने के बाद में फिर आप इसके ऊपर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना इतने टाइम के लिए, स्विंग के लिए कहने का मतलब। तो इसकी ये वेबसाइट है, बाकी इस पे तो इसके प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात कर ही ली थी, स्पॉन्ज आयरन हो गया, बैलेट एंड वायर रॉड हो गया, फेरल ऑयल हो गया, इको ब्रिक हो गया, माइनिंग हो गया, पावर हो गया, पैलेट हो गया, सारी चीजें हमने तो डिस्कस दोस्तों कर कैसा ली लगा है। आज का वीडियो आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे कुछ वीडियो की जो लिस्ट है उसमें आपके लिए काफी अच्छा अच्छा कंटेंट मैं लेके आया हुआ हूँ, ये लिस्ट भी आप चेक कर लीजिएगा, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और कोई क्वेरी सुझाव वगैरह है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।